नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिक्स डिपॉजिट एफडी के बारे में कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और इसके बारे में जो कुछ आपको जानने की जरूरत है जिससे कि आपका पैसा बढ़ जाए वो सारी डिटेल्स आपको मेरे वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मैं बता दूं, फिक्स डिपॉजिट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आज की डेट में किसी भी आदमी के लिए। मान के चलिए अगर आज की डेट में आपके पास कुछ पैसा है और आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जीरो रिस्क पर, तो फिक्स डिपॉजिट सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट होता है क्या है। देखिए, फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप अपना एक निर्धारित अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा करते हैं, यानी कि एक एग्रीमेंट के साथ कि आप उस पीरियड के दौरान इस पैसे को नहीं निकालेंगे, पैसा निकालेंगे तो कुछ पेनल्टी लगेगी। तो और फिर आपको मैच्योरिटी अमाउंट फिक्स होता है, टाइम पीरियड फिक्स होता है, आपको पता रहता है इतने टाइम पीरियड के बाद मुझे इतना फिक्स अमाउंट मिल जाएगा। सबसे सेफेस्ट शेयर मार्केट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ये सब रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। फिक्स डिपॉजिट सेफेस्ट है और यहाँ पर रिटर्न कम मिलता है उनके मुकाबले। अब बात करते हैं डिफरेंस की, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। देखिए, आपका सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में हो वहाँ बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, 2%, 3%, 4%। लेकिन जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं अपने अकाउंट के अंदर तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए लोग बाग अगर सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसकी वो फिक्स डिपॉजिट करना ज़्यादा समझदारी है। मैं भी यही कहूँगा, अगर आपके सेविंग अकाउंट में लाख रुपये या कुछ ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है जो आप जानते हैं कि ये मुझे कुछ टाइम तक तो नहीं चाहिए, उस टाइम की आप उसकी फिक्स डिपॉजिट बना लें, या तो ऑनलाइन बना लें या ब्रांच में जाके बनवा लें ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। फिक्स डिपॉजिट कम से कम 1,000 रुपये की बनाई जा सकती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ जितने की फिक्स डिपॉजिट बनवाना चाहें उतने की बनवा सकते हैं। अब इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है कम से कम 7 दिन की फिक्स डिपॉजिट बनती है और मैक्सिमम 10 साल के लिए, यानी कि मैक्सिमम 10 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट बनवा सकते हैं। चाहे उसकी फिर इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं ऑटो रिन्यूअल एट मैच्योरिटी। फिक्स डिपॉजिट के लिए देखो, जनरली लोग 1 साल के लिए बनवाते हैं, 2 साल के लिए बनवाते हैं, 5 साल के लिए बनवाते हैं। अब जब फिक्स डिपॉजिट जब हम बनवा ली तो फिक्स डिपॉजिट के साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस बैंक देता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स डिपॉजिट मैंने बनवा ली अब सिर्फ मैच्योरिटी के वक्त मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंगली अगर आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पे मिले तो वो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी के वक्त प्रिंसिपल अमाउंट तो रिन्यू हो जाए लेकिन इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाए वो भी हो सकता है, फिर आप चाहते हैं कि रिन्यूअल मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता रहे फिक्स डिपॉजिट का वो भी आपके हो सकता है कि मंथली जो भी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट बनता है वो आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है, मतलब आपकी चॉइस है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसका मंथली इंटरेस्ट का कर दीजिए कि कुछ मंथ में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता रहे, तो उससे आपका घर और जो नॉर्मल पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो सब भी चलता रहेगा और आपका अमाउंट भी सुरक्षित रहेगा। फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है। नॉमिनेशन का मतलब ये हो गया कि अगर फिक्स डिपॉजिट जिस अकाउंट होल्डर की है और उसकी अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो वो सारा पैसा जो है उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, सेविंग अकाउंट का नॉमिनेशन अलग है और फिक्स डिपॉजिट का अलग है। अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में नॉमिनेशन करा रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके फिक्स डिपॉजिट में भी वही नॉमिनेशन माना जाएगा। फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको अलग से नॉमिनेशन देना होता है। इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखिए कि काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको पता होता है कि यार मेरे सेविंग अकाउंट में नॉमिनेशन है लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनेशन करवाते ही नहीं है। आपने अगर यदि पहले भी कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो तुरंत बैंक में जाके पता करिए कि आपका फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनेशन है या नहीं है। अब बात करते हैं अपन कि जनरली ये सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा पैसा दुगना कितने टाइम में हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट में मेरा पैसा बैंक दुगने कितने साल में देगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका पैसा बढ़े और हर कोई कुछ ना कुछ सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। हर अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा लगाया है तो वो ये मान के चलता है मेरा पैसा बढ़े तो सही। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा है गोल्डन रूल ऑफ 72।
रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि आपका पैसा कितने टाइम में दुगना होगा, वो रूल ऑफ 72 आपको बता देता है। रूल ऑफ 72 का मतलब है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी फिक्स डिपॉजिट हो रखी है उसको डिवाइड कर दो 72 से, तो जो रिजल्ट आएगा उतने साल में आपका दुगना हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको किस तरीके से। मान के चलिए आपने फिक्स डिपॉजिट आपको 9% से बैंक ने दी है, तो आपका जो पैसा डबल होगा 72 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 8 साल के अंदर आपका पैसा डबल होगा। ये गोल्डन रूल है, इसको आप कहीं पर भी लागू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी लागू कर सकते हैं कि उसका एनुअल प्रीमियम इतना आ रहा है, एनुअल इंटरेस्ट इतना आ रहा है या इतना उसका इंक्रीमेंट है, तो मेरा पैसा कब दुगना होगा। नॉर्मली अगर आप पर्सनली किसी को अपने पर्सनल लेवल पे लोन दे रहे हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप दे रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पैसा दुगना कितने टाइम में होगा। अब आती है एक और इम्पोर्टेंट चीज कि भाई फिक्स डिपॉजिट में हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया लेकिन बैंक तो TDS काट रहा है, क्योंकि जो नए जो 2019 में जो इनकम टैक्स रूल आया TDS का, वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है और अगर उसको 40,000 से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है बैंक में अपने सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट सब मिला के, तो उस पर 10% का TDS कटेगा। और वहीं अगर सीनियर सिटीजन की बात करी जाए तो अगर साल भर के एक फाइनेंशियल ईयर में अगर उनका टोटल ब्याज 50,000 से ज़्यादा बनता है तो उन पर 10% का TDS काटा जाए। ये दोनों चीज़ें अगर यदि है तो बैंक आपका TDS 10% काटेगा। हाँ, TDS आपको रिफंड हो जाएगा तब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, और अगर आपकी एलिजिबल जो इनकम है वो टैक्स ब्रैकेट से कम है या उतना टैक्स नहीं बनता तो इनकम टैक्स आपको बाकायदा रिफंड करेगा, लेकिन उस प्रोसेस में 4 से 6 महीने लग जाता। अब एक सवाल आता है, भाई बैंक TDS काट रहा है तो इसको स्टॉप भी किया जा सकता है क्या, बैंक को रोका जा सकता है TDS काटने के लिए? इसके लिए सबसे अच्छा है फॉर्म 15G और 15H भर दें। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 15G बैंक में जाके भर दें, या ऑनलाइन योनो ऐप माध्यम या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भर दें। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो 15H आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग ब्रांच के माध्यम से भर के अपना TDS स्टॉप करा सकते हैं। एक तरीके से 15G और 15H फॉर्म होता है ये डिक्लेरेशन कि मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता इसलिए मेरा TDS नहीं काटा जाए। अगर फिर भी अगर आपकी इनकम ज़्यादा बन जाती है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर के अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। फिक्स डिपॉजिट में आपने देखा होगा कि जनरली बैंक चाहती है कि सीनियर सिटीजन, और हकीकत बात यह है कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी भी सीनियर सिटीजन्स को ही चाहिए होती है, क्योंकि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी होती है, रिस्क लेने का एपेटाइट कम रहता है, वो भी चाहते हैं कि हम टेंशन फ्री, हेडेक फ्री काम करें और अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में बैठ लगा के और निश्चिंत रहें। तो बैंक क्या करता है, इसको प्रोत्साहित देने के लिए जो नॉर्मल व्यक्ति को जो इंटरेस्ट लगता है उससे 0.5 से 0.8% तक ज़्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन को। मतलब ये है कि अगर आपको बैंक 7% पे दे रहा है फिक्स डिपॉजिट एक साल की, तो सीनियर सिटीजन को 7.5 या 8% तक मिलेगी वही फिक्स डिपॉजिट। तो ये बेनिफिट है, तो सीनियर सिटीजन की रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होती है। कई लोग ये चाहते हैं कि वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट भी करें और टैक्स भी बचाएं। तो गवर्नमेंट ने ये इनकम टैक्स में ये छूट है कि आप ATC के अंदर अगर कोई फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए फिक्स करते हैं तो उस पर आपको ATC की रियायत मिल जाती है। मतलब साल भर में आप 1.5 लाख की FD कर दीजिए 5 साल की फिक्स टैक्स सेविंग में, तो उसमें आपको रियायत मिल जाएगी। टैक्स सेविंग FD एक करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये FD ब्रेक नहीं की जा सकती 5 साल के पहले, चाहे आपको 1% पेनल्टी लगा के भी नहीं ब्रेक करी जा सकती। सिर्फ अगर डिसीज केस है तो उस केस में ये पॉसिबल है, और इस पर जो भी टैक्स का जो मिलता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी में, वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। मतलब आपने जब पैसा लगाया वो एग्जेम्प्ट है, और जो आपको ब्याज सहित जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। अब बात आती है कई केसेस में, यार फिक्स डिपॉजिट तो रख दी लेकिन अगर बैंक डूब गया तो क्या करेंगे? जैसे PMC बैंक डूब गया था, और उस केस में बैंक गवर्नमेंट क्या करती है? एक्चुअली रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति है उसका अकाउंट किसी बैंक में है और वो बैंक दिवालिया हो जाता है या बंद हो जाता है तो उसका 5 लाख तक का पैसा सुरक्षित है। मतलब 5 लाख तक की गारंटी बैंक देती है। अब गारंटी बैंक देती है इसका क्या मतलब हुआ?
अब इसका मतलब ये ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल बन दे के देता हूँ कि मान के चलिए कि किसी बैंक में जो दिवालिया हो गया उसके अंदर आपका 3.5 लाख रुपए की FD सेविंग अकाउंट सब मिला के था, तो बैंक ने गारंटी दे, गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है 5 लाख की, तो आपको 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, 100% मिलेंगे, वो गवर्नमेंट की गारंटी है। अब दूसरा केस मैं बताता हूँ, मान के चलिए कि आपने 8 लाख रुपए लगा रखे हैं फिक्स डिपॉजिट में और बैंक डूब गया, तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे, 5 लाख तक की गारंटी है गवर्नमेंट की। इसलिए बेस्ट है कि आप अपना अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उसको ब्रेक करके अलग अलग बैंकों में लगा दें। अगर नहीं चाहते हैं, एक ही में करना चाहते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा ऑप्शन है कि जिस दिन पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी उसी दिन डूबेगा बैंक, नहीं तो नहीं डूबेगा। अगर सबसे ज़्यादा सेफ प्ले खेलना चाहते हो तो SBI में फिक्स डिपॉजिट कर दो। अब दूसरा है, और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है फिक्स डिपॉजिट में, फिक्स डिपॉजिट में आप अपना फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट करते हैं। अभी आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं, बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, चंडीगढ़ में आपने फिक्स डिपॉजिट बनाया, तो दिल्ली में भी आप उसी फिक्स डिपॉजिट को बिना ब्रेक करे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। अब बात करते हैं पेनल्टी। देखो, हर बैंक पेनल्टी लगाता है अगर यदि आप टाइम के पहले फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करेंगे तो, और वो जनरली 0.5 से लेके 1% तक वेरी हो सकती है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब भी अगर आप ब्रेक करवाने की जाएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, कभी इमरजेंसी में हमको फ़ंड की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें FD ब्रेक करने चला जाते हैं। मैं आपको बोलता हूँ FD ब्रेक मत करिए, उसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए, क्योंकि हर बैंक लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट देता है, और वो 90% तक का अमाउंट हो सकता है जो आपकी फिक्स डिपॉजिट है उससे, यानी कि लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत पड़ती है? देखो, आपका सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है, नहीं है तो भी वो खुल जाता है तुरंत। एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लेके आप बैंक में चले जाइए, आपका फिक्स डिपॉजिट ओपन हो जाएगा, जिस भी टेन्योर के लिए चाहिए, जितने अमाउंट के लिए चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने में 2022 में जून से लेकर दिसंबर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो रेट 2.5% तक बढ़ा दी। अब 2.5% तक आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट की भी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है हर बैंक में। लगभग हर बैंक आज की डेट में 7 से 8% तक की फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट देता है आपको फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट ब्रांच विजिट कर सकते हैं, ब्रांच में सीधा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, काउंटर पर जाइए, तुरंत आपको फिक्स डिपॉजिट इश्यू हो जाएगी। दूसरा, आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ये बड़ा कन्वीनियंट होता है, आपका टाइम भी बच जाता है ब्रांच में आने जाने का, और फिक्स डिपॉजिट की जो रिसिप्ट होती है वो भी ऑनलाइन ही डाउनलोड हो जाती है। अगर आप ब्रांच जाते हैं तो वहाँ से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और ऑनलाइन अगर आप रख लें अपने कंप्यूटर में सेव करके रखें फिक्स डिपॉजिट की, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट पर, कि आपका अकाउंट नंबर फिक्स डिपॉजिट का क्या है, कितने टर्म के लिए बनाई थी, ब्याज दर क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मैच्योर वैल्यू जिस दिन ये फिक्स डिपॉजिट बनाई थी उसकी क्या है, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी रहेगी, नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिल जाती हैं। आप उस रिसिप्ट को अपने घर पे संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के। थैंक यू फ्रेंड।